अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद निमरा बिशारत। आज हम बना रहे हैं चिकन शवारमा, जिसके लिए हमें चाहिए मायो सॉस, रेड चिली सॉस, पीटा ब्रेड और सैलड। तो सबसे पहले हम मायो सॉस बनाएंगे, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। मायोनीज आधा कप, दही चाहिए 1/4 कप, लेमन जूस चाहिए 1.5 टेबल स्पून, विनीगर चाहिए यानी सिरका 1 टेबल स्पून, ऑयल चाहिए 2 टेबल स्पून, लहसुन के चाहिए हमें 5 जवे, पार्सले चाहिए 1 टीस्पून, काली मिर्च चाहिए 1/2 टीस्पून, सॉल्ट चाहिए 1 पिंच और तिल चाहिए 1 टीस्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम 1/2 कप मायोनीज, वन बाय फोर कप दही, ऑयल 2 टेबल स्पून, लेमन जूस डालेंगे हम 1.5 टेबल स्पून, तिल डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून, नमक 1 पिंच, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून पार्सले और 5 जवे लहसुन के। विनीगर डाल रहे हैं हम 1 टेबल स्पून। तो चलें अब इसे ब्लेंड करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखें, ये अच्छी तरह ब्लेंड हो गया है। हमने इसके अंदर 3 टेबल स्पून दही और शामिल किया था, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड थी, तो अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए, हमने इसे डिश आउट कर लिया है। अब हम बनाएंगे अपना रेड चिली सॉस। तो चले अब हम बनाते हैं रेड चिली सॉस, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। सिरका 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चें, ये हमने 5 जो है वो भिगो के आधा घंटा रखी हैं, अब मैं लेके आई हूँ। और चीनी चाहिए 1.5 टेबल स्पून, आधा प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए 3 जवे इसके, ज़ीरा 1/2 टी स्पून, नमक 1 पिंच, ऑयल 1 टीस्पून, लेमन जूस 1/2 टीस्पून और चिली गार्लिक सॉस चाहिए हमें 1/4 कप। तो इसे ब्लेंड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लेमन जूस डालेंगे 1/2 टीस्पून, सिरका डालेंगे 1/2 टीस्पून, ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस 1/4 कप, लाल मिर्चें 5 अदद, ज़ीरा 1/2 टीस्पून और नमक हमारा 1 पिंच, 1.5 टेबल स्पून हमारे पास चीनी है, 3 अदद जवे उसके लहसुन के और आधा प्याज है, इन सबको डाल लेंगे। अब इन्हें हम ब्लेंड करेंगे। रेड सॉस ब्लेंड कर लिया हमने, अब हम इसे करेंगे डिश आउट। मैंने अपना रेड सॉस डिश आउट कर लिया है और देखें, हमारे दोनों सॉस अब तैयार हो गए हैं। तो चलें अब हम चिकन मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 2 चिकन ब्रेस्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल, लाल मिर्च ली है हमने 2.5 टीस्पून, नमक लिया हमने 2 टीस्पून। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी ले सकते हैं, अगर आप कम यूज़ करते हैं कम ले लें, या ज़्यादा यूज़ करते हैं ज़्यादा ले लें। ब्लैक पेपर लिया है 1.5 टीस्पून और ज़ीरा लिया है 2 टीस्पून। दही लिया हमने 1 कप, इसके अंदर मैंने सिर्फ थोड़ा सा हरा मसाला जो होता है, हरी चटनी आपने बना के रखी होती है वो हल्की सी डाली है इसके अंदर। और सिरका चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। तो चलिए इसे मैरिनेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून, दही डालेंगे हम 1 कप, ताकि अच्छी तरह हमारा चिकन जूसी हो जाए और नरम बने। अब हम नमक डाल रहे हैं इसके अंदर, लाल मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा, इनकी क्वांटिटी मैंने आपको पहले बता दी है। सिरका डाल रहे हैं हम 2 टेबल स्पून, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गले। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट कर देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे तक। हमने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया, अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे तक। तो मिलते हैं बाद में। तो चलें अब हम सैलड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं 2 खीरे, इसे मैंने जूलियन में कट कर लिया है। हमने प्याज लिए हैं 2 बड़े, इसको मैंने नमक लगा के अच्छी तरह पानी से धो लिया, ताकि उसकी कड़वाहट दूर हो जाए। हमने नींबू लिया है 1,
थोड़ा सा नमक लिया है और थोड़ा सा हम 1 टीस्पून सिरका देंगे। अगर आपको और सब्जियां पसंद है जैसे बंद गोभी तो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलें इसका सैलड बनाना शुरू करते हैं। खीरे के अंदर हम प्याज डालेंगे, नमक डालेंगे थोड़ा सा, मेरे पास ज़्यादा है, 1 लीमू निचोड़ेंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे और अभी से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा सैलड तैयार है, अब आगे चिकन बनाते हैं। चलें अब हम अपना चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिया हमने 1/2 कप ऑयल, ये डालेंगे। ऑयल को हम गरम करेंगे। देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया, अब हम अपना चिकन, ये देखिए हमारा मैरिनेट हुआ था, इसको डाल देंगे सारा। इसको मिक्स करेंगे। इसको हमने तेज आंच तक 5 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि ये चिकन का कलर चेंज ना हो जाए, ये वाइट हो जाएगा चिकन, ये पक रहा है। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया, वाइट कलर का हो गया। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और इसको ढक के हम तकरीबन तब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन जो है हमारा गल नहीं जाएगा। इसकी आंच हल्की कर देंगे तो मिलते हैं जब चिकन पक जाए। तो देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह गल चुका था, तो हमने इसका लिड उठा के इसको ड्राई कर लिया और इसको इतना करके इसको थोड़े से छोटे टुकड़ों में कर दिया, थोड़ी छोटी बोटियाँ, तो इसको अच्छी तरह हमने ड्राई कर लिया। अब हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है, तो आगे चलते हैं। अब हम अपनी पीटा ब्रेड को बनाते हैं। हमने पहले अपने तवे को गर्म कर लिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून उसके ऊपर हमने ऑयल डाल लिया। अब हम अपनी पीटा ब्रेड को इसके अंदर ऊपर गर्म करेंगे, दोनों साइडों से ऑयल लगा लेंगे। इसको हम दोनों तरफ से लाइट ब्राउन कर लेंगे। हमारी ब्रेड दोनों तरफ से ब्राउन हो गई थी, अब हम इसे उतार लेते हैं, अपनी बाकी ब्रेड्स को भी इसी तरह ब्राउन कर लेते हैं। तो देखें हमारा चिकन शवारमा तैयार है और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और अगर आपको मेरी इस वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।